हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। फ्रेंड्स, यही वीडियो रे आज हमें डिस्कस करिबा मैथमेटिक्स पेडागोगी। आपण माने जानिथिबे ऑलरेडी आमे डिस्कस करि सालेनी, ऑलरेडी बा स्टार्ट करि देइछंती, जेंति कि ईवीएस पेडागोगी हैला, आपणकर सोशल साइंस पेडागोगी हैला। तो मु क्वेश्चंस डिस्कस करूची, बिकॉज देखंतु सबुर कंटेंट को सबुर जहाँ भी रही डिस्कस करिबा बहुत ही डिफिकल्ट हो जिवो। एंड एठी मैथमेटिक्स रो जेहेतु किछि अल्प सेक्शंस रहिछि, त तेनु करी मु स्टार्ट करिछि आपणकर। तो आगो को जो गुडा बेसी दरकार पड़िबो त तार ही हमें डिस्कस करिबा। तो एठी आज हमें मैथमेटिक्स पेडागोगी रो गोटे फास्ट जुडा रहिछि कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स रहिछि। तो एठी हमें आज नेचर फास्ट नेचर को देखिबा एंड बुझिबा मैथमेटिक्स पेडागोगी रो। तो अदर जहाँ भी रहिछि म आपण मानकर क्वेश्चन करूछि, तो आपण माने जदि चाहिबे ताकु प्लेलिस्ट को जाई कि आपण देखी पारिबे क्वेश्चन सब डिस्कस होउछि। तो ये देखंतु फास्ट आमे बुझिबा कि मैथमेटिक्स पेडागोगी आमर जो रही, तार नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कौन। आपण माने जानिछंती कि मैथमेटिक्स गोटे एमिती सब्जेक्ट जोड़ा कि आमर NCF 2005 जो रही डॉक्यूमेंट, जोड़ा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट। तो NCF 2005 आमर मैथमेटिक्स को गोटे स्पेशियल स्पेस देछि करिकुलम रे, गोटे तार गोटे स्पेशियल पोजिशन बा स्पेशियल स्पेस रही, जोड़ा कि मैथमेटिक्स गोटे निहाती भाव गोटे सब्जेक्ट रहिबो। बिकज मैथमेटिक्स गोटे एमिती सब्जेक्ट जोड़ा कि आमर निहाती भाव समस्त यहाँ हूँ लिटरेट पीपल हूँ, इलिटरेट पीपल हूँ, समस्त डे टू डे लाइफ रे मैथमेटिक्स रो वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंस रही। तो तेणुक मैथमेटिक्स रो कौन इम्पोर्टेंस रही, तार कौन नेचर रही, जो कि मैथमेटिक्स आमर एत जरूरी। तो जहाँ तार नेचर आम एवं डिस्कस करवा, तो बिफोर देखो नेचर डिस्कस करवा पूर्व आम डिस्कस करवा तार दुईटा इम्पोर्टेंट ये लिखीजे मुझे डेफिनेशंस, बहुत डेफिनेशंस अच्छी बट दुईटा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आम देखा। देखो जमी गैलीलियो कहते कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन व्हिच गॉड हैज रिटेन द यूनिवर्स। तो गैलीलियो कहते कि मैथमेटिक्स होची एमती गोटे लैंग्वेज जो थे कि गॉड तांगर यूनिवर्स को लिखिंट। सेमती लॉक कहते कि मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रेन ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। तो मैथमेटिक्स गोटे लॉजिक बा रीजनिंग डेवलप करे समस्त माइंड रे। तो एडा रीजनिंग, तो बिना किसी लॉजिक लगे, बिना किसी प्रूफ करने द्वारा, मैंने किसी गोटे ब्लाइंडली किसी जिनस को बिलीव करने मैथमेटिक्स के आमको एनकरेज करे ना। तो तेणुक जहाँ भी आपण क्वेश्चन आसव नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स एम सेक्शंस रु, तो सब जिनस को बुले बंगे से पचार कौटा नेचर नुहे, कौटा एम नुहे, कौटा गोटे एम। तो यही टाइप क्वेश्चंस आमको देखा मिल। तो तेणुक कनसेप्ट फंडामेटाल आज स्टार्ट रु क्लीयर थे, तो आप ये सब क्वेश्चंस इजिली सॉल्व करि पारिबे। तो देखंतु एठी जो एबव जो डेफिनेशंस रहिला, तो ताकु बेस करी कि आमे मैथमेटिक्स को किछि आमे मैथमेटिक्स कौन फास्ट बुझि नबा। तो ए जो स्टेटमेंट्स बा आमर डेफिनेशंस रहूची, तो सेथिरु आमे जानिबा कौन ना मैथमेटिक्स होची कौन ना साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर्स। तो मैथमेटिक्स होची गोटे सिंपली जोटा कि साइंस, जोटा कि आमर स्पेस आउ नंबर सहित रिलेटेड। तापर नेक्स्ट रही द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। तो मैथमेटिक्स रे मेन विदाउट कैलकुलेशन, तो आम मैथमेटिक्स कहला मैंने फास्ट आम बुझा कि कैलकुलेशन को बुझौजे, जमीक आडिशन है, सब्सट्राक्शन है, मल्टीप्लिकेशन हो बा डिविजन हो। तो मैथमेटिक्स ना आसला मैंने आम भावती कि कैलकुलेशन बा कंप्यूटेशन तादेरे निहाती भाव रही। जमी आम देखा द साइंस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। तो मेजरमेंट क्वांटिटी आउ मैग्नीट्यूड को यहाँ बुझेबो, जोड़ा कि आम कह ये साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो मैथमेटिक्स रे निहाती भाव मेजरमेंट रहुथिबो, क्वांटिटी थिबो, मैग्नीट्यूड निहाती भाव थिबो। तापर नेक्स्ट होची इट इज ए सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जाक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस रो तो वैरायटी ऑफ वेरियस ब्रांचेस रही आपण माने जानिछंती, बट मैथमेटिक्स ता भितरु साइंस रो गोटे एमिती ब्रांच जोटा कि गोटे सिस्टमेटाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म रे रही। तो तेणुक आम कह ये गोटे एग्जाक्ट ब्रांच जोटा कि सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच। तापर नेक्स्ट देखु इट डील्स विथ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। तो ये सब बड़े क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, जेहेतु मैथमेटिक्स होची आमर साइंस ऑफ जोटा आमर स्पेस है, नंबर है, क्वांटिटी है,
बा मैग्नीच्यूड तो तेणुक यहाँ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स उपर बेस फोकस करें बा क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को लेकिन ही यहाँ होता है तो आउ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आउ तार रिलेशनशिप्स को लेकिन यहाँ मैथमेटिक्सटा पूरा कम्प्लीटली आम लर्न करतापर नेक्स्ट देखूँ इट इज द आब्स्ट्राक्ट फर्म अफ सैंस तो यहाँ हूँ गोटे आब्स्ट्राक्ट फर्म जोटा कि आम इमाजिन कर लॉजिक लगे पारि था प्रूफ्स कर तो मैथमेटिक्स जिते भी रूल्स रही एक्जियम्स रही प्रिंसिपल्स रही तो विदाउट आम तार आम इमाजिन जिते भी इमाजिन कले जिते भी हाइपोथेसाइज ताकूम कले तो बिना प्रूफ्रे बिना लॉजिकली आम कौन जिन आक्सेप्ट करती ना तो तेणुक आपको आम कह यहाँ गोटे आब्स्ट्राक्ट फर्म तो आम जहाँ देखुं निज आखिरे तो आम खाली देखीदे जे 100% करेक्ट आम मानि नवा ना तो आम तार गोटे प्रूफ दरकार तो तेणुक मैथमेटिक्स आमको से आचिव करने एनकरेज करें से आड़क नहीं थाए तापर नेक्स्ट रही इट सेटल्स इन द माइंड ए हैबिट अफ रिजनिंग तो यहाँ हूँ समस्त माइंड रे गोटे रिजनिंग कैपेसिटी डेवलप करें तो केवल जी मैथमेटिक्स रिजनिंग सॉल्व करुच्चे जड़े लर्नर तो ताकू आम कहानी कि सी केवल मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग बा सी ता माइंड रे केवल रिजनिंग लगोच जेकोसी लोक जेकोसी लाइफ सिचुएशन रे गोटे जिनस को जिते बड़े सॉल्व कर माइंड रे गोटे रिजनिंग कैपेसिटी मैथमेटिक्स डेवलप करे गोटे माइंड को मैथमेटाइज करे एंड गोटे मैथमेटिकल वे रे चिंता करिबा पई एटा हमकु प्रोत्साहित बा एनकरेज करिथाय तापर नेक्स्ट रही इट इज एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस तो इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस कहले आम कौन बुझा तो जमी आपने जानते कि इंडक्टिव कहले आम सब नोन टू अननोन को जाती जमी नोन टू अननोन तो गोटे जिनस जहाँ आम जानते फास्ट आम से जिनस जोटा न जाणी था से आड़ को आम जामी एग्जाम्पल टू रूल तो आम जमी फास्ट किसी एग्जाम्पल जो आम जानते जमीती कि आम सपोज कह तो मैथमेटिक्स केस रे आम जब जानूं तो आम कह कि तो फास्ट हूँ टू तापर फोर सिक्स तो एट टाइप नंबर जिते बड़े गोटे पिला को फास्ट आम इवेन नंबर ऑड नंबर ताकूर डिस्कस करूँ तो फास्ट सब नंबर लिखापी कह वन टू थ्री फोर से सब पूरा जहाँ भी अच्छे लिखे किसीटा तक अप टू थर्टी कि अप टू फोर्टी लिखा कह ता भीतर ताकू टू फोर सिक्स एट ये सब कुछ पिक करने को कह तापर ताकू कनसेप्ट दिजो कि यहाँ हूँ इवेन नंबर आउ गोटे हूँ ऑड नंबर जोटा टू द्वारा डिविजिबल से कौन इवेन नंबर जोटा डिविजिबल नुहे से ऑड नंबर तापर से जोटा जाणी से अननोन आड़क जीव तो यहाँ हूँ इंडक्टिव आमर वे बा इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस कौन पर कहूँ ना सब जिनस को फैक्ट्स को प्रिंसिपल्स को से फास्ट एक्सपेरिमेंट कर ब्लाइंडली कौन से जिनस को बिलीव करना जमी आम ओडिया पढ़ुं इंग्लीश पढ़ुं तो ओडिया इंग्लीश कौन लिटरेचर सब्जेक्ट तो जहाँ अलरेडी गोटे डिस्कस होसी कनसेप्ट आगुरी आम जानते सहीटा आम सब से जिनस को बढ़ती बट मैथमेटिक्स कनसेप्ट प्रिंसिपल रूल सबकि यूनिवर्सल तो ताकूटा के चेंज हो पार ना जमीक टू गोटे इवेन नंबर ताक आम गोटे अड नंबर कहीपर ना तो सेमती तो मैथमेटिक्स से इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस आम कहीपर इट इज द साइंस व्हिच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स तो यहाँ गोटे एमती साइंस जोटा कि आम नेसेसरी कंक्लूजन ड्र कर हेल्प करी थाए तो यही सब कुछ ही हमें कहेबा मैथमेटिक्स तार विभिन्न प्रकार कनसेप्ट रही मैथमेटिक्स तापर तार किसी स्पेसिफिक नेचर को आम डिस्कस करवा मैथमेटिक्स जमी देखूँ जहाँ मुझे सब कहली से ही गुड़ा एक्जाक्टली लिखाई केवल जहाँ अंडरलाइन होगुड़ा कहीदे जहाँ अलरेडी अच्छे मुझे सबकि बुझेदेली बिकज से ही गुड़ा ही मैथमेटिक्स नेचर एंड तार इम्पोर्टेंट क्यारेक्टरीस्टिक्स बट ये किसी स्पेसीफिक मुझे लिखीदी देखी दिंतु देखो ये कौन रही इट इज द साइंस ऑफ स्पेस नंबर मैग्नीच्यूड एंड मेजरमेंट जोटा आम उपर डिस्कस कले स्पेस नंबर मैग्नीच्यूड एंड मेजरमेंट नेक्स्ट रही मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज जमी आम जमी कह टू सपोज टू ग्रेटर देन वन तो आम गोटे सिंबल यूज करमती आम कह वन लेस देन टू तो गोटे सिंबल यूज करुँच इक्वल्स टू माइनस प्लस इंटू
ଡିଭିଜନ୍, ତ ଆମେ ସିମ୍ବଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତ ଏଇସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଅ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସର କିଛି ବି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ବା ପଢ଼ିବାର କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଡାଟା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମେଟାଇଜ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ କନ୍ଭର୍ଜନ୍ ଅଫ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫର୍ମ। ତ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଆମକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଫର୍ମରେ ଆମ ଆଗରେ ଆଣିକି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଜିକାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଡଜେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଆବାଉଟ୍ ଥିଓରିଜ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସେପ୍ଟ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କନ୍ସେପ୍ଟ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ, ତା'ର ସମ୍ ହେଉଛି 180 degrees। ତ ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ 20 years ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ 20 year ପରେ ଯଦି ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଏଇ କନ୍ସେପ୍ଟ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, କେବେ ବି ଡାଉଟ୍ ରଖେନି ମାଇଣ୍ଡରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍, ପୁରା ମାନେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଓରି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, କନ୍ସେପ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୁରା ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ କାପାସିଟି ଡେଭଲପ୍ କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବିକଜ୍ ଯାହାର ଯେତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯିଏ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତା'ର ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ। ତ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଏଇଟା ଆଣିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପିଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଏବଲ୍ ନଲେଜ୍। ତ ଯାହା ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଏବଲ୍। ତ ରିଲିଏବଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଯେତେ ଥର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ତା'ର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ସେଇଟା। ତ ତେଣୁକରି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନଲେଜ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ରୁଲ୍ସ, ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆଟ୍ ଏନି ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଟାଇମ୍। ତ ଯାହା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି କି ରୁଲ୍, ଲସ୍, ଫର୍ମୁଲା କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତ ସବୁବେଳେ ଭେରିଫାଏ ହେଇକି ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କନ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ ରହିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ଲଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଦ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଡିଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ସ ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ କ'ଣ, ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ କ'ଣ, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, ଏସବୁକୁ ଡିସ୍କସ୍ ଭଲସେ କରିବା। ବଟ୍ ଏଇଠି ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ନୋନ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍, ବଟ୍ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଡିଡକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୋନ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍, ବଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ଟୁ ନୋନ୍, ତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ରହୁଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ, ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍। ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱେଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ, ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି କ୍ଲିଅର୍। ତ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ତ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କେହି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଭେରି କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଡ୍ରଜ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଇନ୍ଫରେନ୍ସେସ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା। ତ ଯେକୌଣସି ଡାଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ସପୋଜ୍ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ରହୁଛି ଇୟର୍ ରହୁଛି, ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି। ତ ସାଇନ୍ସରେ ସେମିତି,
ହିଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ସେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେନ୍ଫଲ୍ କେତେ ହେଇଛି, ତାର ଡାଟା ଗୋଟେ ବାର୍ ଗ୍ରାଫ୍ ବି ପାଇ ଚାର୍ଟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ତ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇନ୍ଫରେନ୍ସ ଆକାରରେ ସେ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଡାଟା ବା ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଫରମେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ୱେରେ ସେ ହେଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, କିଏ ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇନାମିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍, କେବେ ରହିବନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଜିନିଷଟା କେବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତା'ର ତା ନେଚର ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମ୍ୟାଥମେଟାଇଜ୍ କରିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସେ କ'ଣ ରିଜନିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼େଇବ। ତ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଫର୍ମରେ ସେ ହେଉଛି ବିହେଭ୍ କରିବ, ନଟ୍ କି ଷ୍ଟାଟିକ୍। ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମାନେ ଯାହା ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ସେ ମାନି ନେଇକି ଚାଲିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଠି ଷ୍ଟାଟିକ୍ର ମାନେ ନୁହେଁ, ଡାଇନାମିକ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲର ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲର ସମ୍ ହେଉଛି 180 degree, ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଡାଇନାମିକ୍ର ମିନିଂ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଡାଇନାମିକ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ନା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ୱେରେ ଚାଲିବା ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାଏ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସବୁକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ମାନେ ଚାଲିବା ବା ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ରହୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ନେଚର ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନେଚର। ତ ଅପକମିଂ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ରହିବ ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଛି ଏମ୍ସ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ସ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।